भूल जाओ भाई, कभी ये देखते हो एक वो फलाना मुसलमान है, वो ढिकरा मुसलमान है, वो ये मुसलमान है, इकट्ठे कह देते हैं कितनी मुसलमानों की वोट है, 50,000। फिर हिंदुओं की वोट 2.25 लाख और 2 लाख क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं कहते? क्या कहेंगे? गुजरन की कितनी है, जाटन की कितनी है, सैनिन की कितनी है, बघेलन की कितनी है? यदि यही करना है तो उनमें तो तुम में 36 बिरादरी है, उनमें 72 बिरादरी है, 72 बिरादरी है। यदि उनकी बिरादरियों को आंकोगे तो किसी भी बिरादरी की 2000 से ज्यादा वोट नहीं है, इतनी बिरादरी है। वैसे तो तुम किनारे पर ही लग रहे हो। मैं अभी गया था कई क्षेत्र में अपने में, वहां एक आदमी आया मुझे, मेरे लड़के की सगाई है और भात भी आया है। जब मैं गया मैंने उसे पूछा ये घर किसका है? भैया तेरो ही है। मैंने कहा यार यहां तो तुम्हारी छान पड़ी थी, आज ये इतनी करोड़ों रुपए की कोठी कहां से आ गई? तेरे हिस्से में तो 1 एकड़ जमीन आ रही है। भैया सब तेरा आशीर्वाद है। मैंने जब पूछा तो नरदेव ने धीरे से कही, पेड़ पे चढ़ के भी टटलू काट रहे हैं आजकल। जवाहर सिंह जी कह रहे थे ना, अभी नगर में एक मेरे मित्र ने बताया मुझे, टटलू काटने वालों ने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कांग्रेस के कैंडिडेट को दिए, 5 करोड़ रुपए दिए हैं। टटलू कटवाओगे, बहन बेटियों की इज्जत खराब कराओगे, गऊ कशी कराओगे, यही काम कराने हैं तो फिर दे दो उन्हें भाई। और यदि इन कामों से आपको मुक्ति दिलानी है तो केवल एक रास्ता है, कमल का फूल और जवाहर सिंह बेड़ा। अकेले जवाहर सिंह बेड़म कुछ नहीं कर सकते। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर साल मेरे चुनाव में जाते हैं, ऐसे बहुत से हैं लोग हैं जो 38 साल की मेरी राजनीति में, सन 85 में जब मैं एमएलए हुआ जब से लेके आज तक मेरे कई चुनावों में गए हैं। मैं ऐसे नहीं जीतता, केवल इसलिए जीतता हूं कि मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण बन के वोट मांगता है, प्रत्येक कार्यकर्ता जवाहर सिंह मेढम बन के यदि वोट मांगेगा। पहले तो एक बात कही जाती थी महाराज जी, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण ने जो कह दिया भविष्यवाणी कर दी वही सच्चा होता है। मैं कह रहा हूं जट बाकी जनार्दनम। 42,000 वोट से जवाहर सिंह जीतेंगे, सट्टा लगा लेना जिसको लगाना हो। आज बता के जा रहा हूं ये, जवाहर सिंह यदि 42,000 वोट से न जीते तो लक्ष्मी नारायण का कान पकड़ लेना, तुम सब आते हो रिश्तेदारी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, खेत भूख गए तुम्हारे ज्यादातर। आज से ही ईमानदारी से, आज तारीख 4 हो गई है, 25 को वोट पड़ने हैं, 23 को चुनाव प्रचार बंद होगा, केवल 18-19 दिन है। जितने रिश्तेदार हैं या नगर के मेरे क्षेत्र में, वो सारे रिश्तेदार तुम्हारे घरों पे आ जाएंगे 3 दिन बाद, और जब जाएंगे, जब वोट पड़ जाएगी। और यदि किसी भी रिश्तेदार ने मुझसे ये कह दिया कि हमारे रिश्तेदार ने वोट नहीं दी, तो उसी दिन रिश्ता हमारा खत्म। तो और फैसला भाई, जब राम मंदिर को भी तुम नहीं दोगे तो फिर रिश्ता कह बात का है, कह बात का रिश्ता। इसलिए आप लोगों से पुनः प्रार्थना कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप सब लोगों से, केवल एक समाज हिंदू समाज, एक धर्म सनातन धर्म, सनातन धर्म और हिंदू समाज की रक्षा के लिए अब के राम मंदिर पे आप कमल के फूल पे मोहर लगा के अपना आशीर्वाद।
अपना आशीर्वाद। अब के आप हमारे जवाहर सिंह बेढम को और भारतीय जनता पार्टी को देते। अरे हम तो सौभाग्यशाली है भाई, ऐसे नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, ऐसा नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है हमें, जो भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे नेतृत्व के समय में हमें काम करने का मौका मिल रहा है, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। ऐसा त्यागी तपस्वी व्यक्ति जो 24 घंटे केवल देश के लिए सोचता हो। आप ही के बेटे तो आज सीमा पे गोली चला के देश की रक्षा कर रहा है। जब हम देश की रक्षा कर रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्त है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, वो अलग वोट नहीं दे सकता है। तो आप सब राष्ट्रभक्त हैं, हमें वो खून है जिसने इस राष्ट्र की रक्षा की है, हमें वो खून है, आप लोगों में वो खून है जिसने सनातन संस्कृति की रक्षा की है। आज पुनः ये वक्त आ गया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग क्या है ये आपको मालूम है, ये लूली लंगड़ी सरकार 5 साल कैसे चली है। सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस पार्टी में यदि कोई देता है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री रिश्वत के रूप में दिल्ली देता है, केवल इसलिए चली है। आपको सब मालूम है, आपसे कोई बात छुपी छानी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं, इसलिए आप सब लोग कांग्रेस के नेताओं सबसे ज्यादा, क्योंकि उनका वैसे तो अब जब कभी भी इनकी बेईमानी की पोल खुलती है तभी ये कह देते हैं ईडी लगा दी हमारे पीछे, सीबीआई लगा दी हमारे पीछे। अरे जब परमात्मा तुम्हें नरक का दंड देगा तुम्हें जब पता चलेगा, अभी तो थोड़े थोड़े दंड मिल रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे जो कारनामे हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, पूजनीय महाराज जी ने ये बात कही थी, देखिए महाभारत का धर्म युद्ध है, मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, अरे भैया उत्तर प्रदेश में जाते तो हो, कावड़ तो लाते हो, वही उत्तर प्रदेश है ना जहां कावड़ लाते हुए तुम पे बुलंदशहर में लाठीचार्ज हुआ करता था, आज उस उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। हम ये चाहते हैं अगले वर्ष जब आप लोग उन्हें दीप के फारे देखने जाओ, उन्हें आप लोग अपने इन मेले में जाओ, तो अगली बार महाराज जी यदि फूल वर्षा में हेलीकॉप्टर से तो आनंद आ जाए। देख लो भूत तो केवल यही ड्रेस बरसाया करती है, अब फूल बरसाना चाहते हो या अंगारे बरसाना चाहते हो ये आपकी मर्जी। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, अधिकार के तहत कर रहा हूं, मेरा आपका ऐसा रिश्ता है, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, हमने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, अब कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आप एक एक वोट कमल के फूल पे जवाहर सिंह बेढम को अपना आशीर्वाद दें। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, राम राम साहब।